नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज 2016 के नीट एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर ए इज इक्वल टू फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस टू पॉइंट फाइव मीटर एट अ गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम हमें बताना है स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगी और अपने ऑप्शन है 4.5 मीटर पर सेकंड या फिर 5 या 5.7 या 6.2 मीटर पर सेकंड नाउ ये सवाल अगेन जिन लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट कर पाएंगे इसको सो uh, so अपने को ये गिवन सिनेरियो है कि पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है एट दिस लोकेशन जहाँ पर उसका ये एंगल है थर्टी uh, डिग्री वहाँ पे ए नेट जो है नेट एक्सलेशन उसकी वैल्यू हमें दी हुई है आ, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें बताना है स्पीड क्या होगी नाउ अगर इस ए नेट का कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में लेंगे जो कि आपका सेंटर की तरफ दिया हुआ है आ, ये डॉली डायरेक्शन सो इट विल रिप्रेजेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन सो बेस्ड ऑन दिस हम इसको कह सकते हैं कि ए सी विल बी इक्वल टू ए नेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ थर्टी डिग्री हाँ राइट ए नेट की वैल्यू हमें पता है 15 डिग्री सॉरी uh, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू नाउ इसको ए uh, को हम लिख सकते हैं uh, हमें क्योंकि वेलोसिटी बतानी है इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर सो इट विल बी वी स्क्वायर बाय आर ए नेट की वैल्यू हो गई पंद्रह मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री बाय टू आर की वैल्यू हमें दे रखी है टू uh, और आर को टू की जगह हम फाइव बाई भी लिख सकते हैं विच मीन्स वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 2 और इसका अगर हम अंडर रूट लेंगे सो so हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी ऑन कैलकुलेटिंग दिस ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है नीट वाले स्टूडेंट्स कई बार इस तरह के सवाल उनको प्रैक्टिस नहीं होती तो उन्हें थोड़ा मुश्किल होता है करना आप नोटिस करिए इसमें नीचे टू इंटू टू है उसको जब आप अंडर रूट के बाहर ले आएंगे तो वो आ, टू बन जाएगा फिफ्टीन और फाइव जो है इसके अंदर भी फाइव है इसके अंदर भी फाइव है सो वी की वैल्यू आ गई फाइव बाई टू और अंडर रूट में आ गया थ्री रूट थ्री ना बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका यूजली नीट वाले स्टूडेंट कई बार कह रहे थे सर इस तरह का हमें एक्सपीरियंस नहीं है बट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपको थोड़ी सी अपनी मैथ्स अच्छी रखनी पड़ेगी इस वजह से सवाल थोड़ा अच्छा सवाल बन जाता है इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो so इसकी वैल्यू आती है लगभग 5.7 मीटर पर सेकेंड सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर